हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, फाइनली बोर्ड ने 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 12th हिंदी का पेपर 2024 में कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या सर, हिंदी के पेपर में कुछ चेंजेस हुआ है? तो हाँ, बिल्कुल चेंजेस हुआ है और आपके पेपर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो अगर आप इस बार 12th में है और 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उस पेपर को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी विद सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको इस पेपर को बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहिएगा कि सर मुझे हिंदी का पेपर ही नहीं पता था, क्योंकि जो चेंजेस किए गए हैं वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 12th हिंदी 2024 पेपर कैसा आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हिंदी के पेपर जो है वो कठिन आएगा या सरल आएगा? तो ऑफ कोर्स हिंदी का पेपर सरल ही होता है, अभी पेपर देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिर कैसा आएगा पेपर, पेपर का सॉल्यूशन में सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है क्लास 12 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए, ये क्लास 12 हिंदी का पेपर है। ठीक है, टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, सबको पता है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक, अब देखिए कुछ नोट पहले आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पैसे वाला नोट नहीं, कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़िए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए खंड का को हम पहले सॉल्यूशन के साथ सब कुछ देखेंगे, तो पूरा ध्यान, फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका वीडियो पर होना चाहिए। ठीक है, देखिए खंड का जो है इसमें क्या क्या आएगा। पहले खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी साहित्य के, फिर आपका गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी और खंड काव्य, ये खंड का में होते हैं। खंड का में आपका संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन और उसके बाद में आपके रस छंद अलंकार पत्र लेखन निबंध लेखन ये रहेगा। 50 नंबर का खंड का रहेगा, 50 नंबर का खंड खा रहेगा। पहले इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये पेपर तो 2023 में भी बोर्ड ने जारी किया था, तो लगभग ऐसा ही पेपर था, लेकिन जो चेंजेस इस बार किया गया है, कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं, टॉपिक संधि विच्छेद विभक्ति वचन कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, वो जानना आपको जरूरी है, वो इस पेपर में दिया गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है जल्दी से बताओ? इसके लेखक हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, संपूर्णानंद। देखिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इतना जानिए सही आंसर। ठीक है, खा देखिए लल्लू लाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है? तो इसमें से जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी की रचना है। गा देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी बताइए जल्दी, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। घा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विष्णु प्रभाकर। अंगा नंबर है वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आपके 5 हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे स्टार्टिंग में, 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर। तो ये तो हो गए हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो हिंदी पद्य साहित्य आपका है, ठीक है, उससे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो जीवन परिचय, जैसे आपके जो गद्य पद्य में जो लेखक और कवि हैं उनके जीवन परिचय में से जो अगर आप उनकी रचनाओं को याद कर लेते हैं उनके, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप में है, इनका इनसे रिलेटेड टॉपिक आ गया। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी है, उनसे टॉपिक आ गया। कामायनी पूछा जाए किस युग की रचना है, देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, खा वाला देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, जल्दी से बताओ, जिसको जिसको पता है कमेंट करके कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो खा वाला क्या होगा, खा का चौथा सही होगा रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रगतिवादी युग के कवि है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, गा वाला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मैंने आपको पहले ही बताया तार सप्तक में ता औरा आता है और 43 में भी ता औरा आता है, तो 1943 हो जाएगा, सिंपल सा। घा देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? मैंने अभी बताया कि कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं,
तो ये कामायनी जो है ये छायावादी युग की है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बाकी तीनों है। अंगा नंबर देखिए, अष्ट छाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, सेकंड है ज्ञानाश्रय शाखा से, थर्ड है प्रेमाश्रय शाखा से, फोर्थ है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो भैया जो अष्टयाम है ठीक है, इसका संबंध जो है वो है अष्ट छाप कृष्ण भक्ति शाखा से इसका संबंध है डायरेक्टली। तो देखिए पांच क्वेश्चन ये भी हो गए, दस पांच नंबर। अब टोटल जो बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर नंबरिंग की जाए तो भैया 10 नंबर के आएंगे। पूरा पेपर समझिएगा ध्यान से, वीडियो को क्विट नहीं करना है, क्योंकि अभी आगे जो चेंजेस हुआ है वो मैं बताऊंगा, और चेंजेस आपके खंड खा में हुआ है, तो खंड खा में आपको अच्छे से जरूर देखना है ठीक। यहां पर भी इसको देखेंगे भैया, नुकसानदायक नहीं है, हर चीज आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे पढ़नी ही पड़ेंगी ठीक है। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश अब आएगा, हिंदी गद्य से एक गद्यांश दिया जाएगा। देखिए जैसे है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वो सुंदरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? तो आपको करना क्या है, ये आपका गद्यांश दिया गया यहां से लेकर यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक। अब इसके नीचे पांच क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखिए सीधा सीधा है, 1 2 3 4 5 करके एक क्वेश्चन के लिए दो दो नंबर आपको मिलेंगे ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको दो दो नंबर दिए जाएंगे। पांच क्वेश्चन है तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा ठीक है, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या डालकर। फर्स्ट है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, किस पाठ से लिया गया बताइए? ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ठीक है। फिर है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो लिखा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, लिख दीजिए धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो सुंदरा कहलाती है, दो नंबर क्लियर। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जिन वर्ड के नीचे रेखाएं हैं इतने का अपनी भाषा में व्याख्या कर दो। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देखिए लिखा है वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट है 5 नंबर, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, बस हो गया। पांचों का आंसर दिया, 10 नंबर क्लियर। कुछ नहीं है हिंदी में भैया, मैंने बताया कि तैयारी अच्छे से करो, 100 में 95 दिलाकर रहेंगे ठीक है। चाहे आप यहां से करें, YouTube से हम पढ़ाते ही हैं, हमारा एप्लीकेशन भी है शुभम लेक्चरर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पूरी तैयारी होती है। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए शुभम लेक्चरर, वहां से हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, वहां पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, ये सारे नोट्स इस सारे पेपर्स का सॉल्यूशन मैं वहीं पर देता हूँ ठीक, ध्यान से। बाकी यूट्यूब पे भी सारी चीजें मिलती हैं ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसी गद्यांश में अथवा लगा होगा। अब अथवा लगा हुआ है तो इसमें देखिए आपका दूसरा गद्यांश, दो गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। अथवा का मतलब हुआ चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे इसको कीजिए। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, अब सिंपल है आप पहचान गए होंगे किस चैप्टर का है, ये अशोक के फूल चैप्टर का है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके नीचे भी पांच क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। तो दो गद्यांश रहेंगे, दोनों में से एक ही करना होगा, बहुत इजी पेपर हो जाता है, क्योंकि दो में से एक ही करना है वो तो हम चुटकियों में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब भैया गद्यांश आया तो पद्यांश भी आएगा, गद्यांश भैया आए हैं तो पद्यांश भी साथ में आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही प्रोसेस, बस हिंदी गद्य के जगह पर हिंदी पद होगा ठीक। देखिए दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर औलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पथ समान ही पुत्र स्वयं भी हूं, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ या दुश्मे सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं ठीक। तो ये आपका पद्यांश है, ये किस चैप्टर का है बताइए? कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है उसी से लिया गया है, और मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। इसके नीचे पांच क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने कहा था पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए इस पेपर में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर आपको चाहते हैं कि भैया इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊं और कॉपी कैसे लिखूं इस पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, टेंशन मत लेना, पूरी तैयारी इस चैनल पर होगी आप सभी की ठीक। तो 4th नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया पद्यांश अगर आया है तो अथवा इसमें भी लगा होगा, इसमें भी ऑप्शन मिलना चाहिए ठीक, एक आया है तो दूसरा भी होगा, चलिए देखते हैं।
अब देखिए पांचवा क्वेश्चन वही हमारा था, अथवा लगा है, देखिए वो उसी क्वेश्चन का है, अथवा लगा है। देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को तोना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो, गोद लिए श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कैसे लड़ाना, खेत में जो दिखावे जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये आपका एक पद्यांश है। किस चैप्टर से है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा जी जो हैं वो पवन से कह रही हैं कि अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला आपको दिखती है रास्ते में तो उसके वस्त्र को इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं। ठीक, तो ये आपका पवन दूती का चैप्टर से है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, पता होगा आपको। इसके नीचे भी पांच क्वेश्चन, आंसर दीजिए, ले जाइए नंबर, सिंपल सा है। देखिए उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहले तो आपको संदर्भ लिखना है किस पाठ से लिया गया, किस इसके कवि कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा इतने का, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं कि इतनी तेजी से मत चलना कि उनके वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो जाएं। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें हैं। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, जीवन परिचय पर। देखिए जीवन परिचय में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, 3 लेखक आपके रहेंगे। देखिए आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, मतलब कोई जरूरी नहीं है यही 3 रहे, इनमें से और भी आ सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ही, ऐसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये जो तीनों हैं इंपॉर्टेंट हैं, मैं कहना चाहूंगा ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन और जो कवि हैं उसमें लेखक हैं उनमें से भी दिया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया ये सारी चीजें, इसका बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप हिंदी का की तैयारी तो पूरी करवाते हैं, अच्छे से करवाने, बट इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मैं आपको देता हूँ, मैंने बताया ऐप है हमारा जो शुभम लेक्चर, और उसमें आपको नोट्स भी मिलता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, 9918332305, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझको या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। जो बच्चा बैच लेने में इंटरेस्टेड है, क्रैश कोर्स जिसको चाहिए 95%+ लाना है, वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। खा देखिए, अब भैया लेखक का जीवन परिचय है तो कभी तो वो भी आएंगे कि हमें भी लीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये भी। देखिए फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है सुमित्रानंदन पंत, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर। अब ये तीनों कवि इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जयशंकर प्रसाद जी भी आ सकते हैं और महादेवी वर्मा जी भी आ सकती हैं। तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं, जो जो है जीवन परिचय आपका क्लियर होता है, ये नंबर बिल्कुल एकदम फिक्स होता है, टेंशन नहीं लेने का। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, आप लोग एक एक करके जिस भी कवि का जीवन परिचय सर्च करेंगे, किसी भी लेखक का सर्च करेंगे आ जाएगा, पीछे शुभम लेक्चर लगा दीजिएगा, सब मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए, बहादुर अथवा पंचलायत कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए चाहे पंचलायत कहानी का उद्देश्य लिखिए, दोनों पता है, दोनों में से एक ही आपको करना है। शब्द सीमा 80 शब्दों में, 5 नंबर का ये रहेगा। मान लीजिए दोनों नहीं पता तब भी एक ऑप्शन है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कितना ईजी ये हो जाता है आप लोग सोच सकते हैं। तीनों में से किसी एक को ही करना है, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलायत कहानी का उद्देश्य लिखें, या फिर आप ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखें, तीनों में से कोई एक ही आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देखिए, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारे खंड का लास्ट क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक, तो देखिए शब्द सीमा 80 रहेगा, मतलब हम ये बता दें कि जो हमारे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें देखिए अलग अलग जिलों में लगभग कुछ अलग अलग आते हैं, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ जिलों को अलग रखा गया, किसी में श्रवण कुमार है, किसी में रश्मि रथ है, किसी में मुक्ति यज्ञ है, किसी में त्यागपथी है, किसी में आलोक वृत्त है, और किसी में सत्य की जीत है। आप में क्या है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ भैया है त्यागपथी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश गोंडा वाले हैं। ठीक, तो ये आपका त्यागपथी होगा, त्यागपथी जिसमें जो है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, केवल यही एक ऐसा टॉपिक है जो जिले में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी पूरे यूपी में पेपर सेम ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। केवल खंड काव्य पूरा रहेगा पेपर में भी, जो आप में है वही आपको करना है। बस 50 नंबर का पेपर क्लियर हमारा हो चुका है, अब आते हैं खंड खा पर, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चेंजेस हुआ है वो इसी खंड में हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए इसमें एक चेंजेस क्या हुआ है, जो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन था उसको हटा के अपठित गद्यांश कर दिया गया है। कैसे आएगा वो मैं अभी बताऊंगा।
देखिए प्रश्न नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्र पत्रकार आश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवो आसीत यत्र कुत्रा वयम जनान दुखितान पीडियम नश्नु ऐसे है। ठीक है पंडित जी नहीं है कि संस्कृत बहुत तेजी से पढ़ेंगे, तो ये आपका है महामना मालवीय चैप्टर से। भैया इसमें लेखक तो रहते नहीं है, आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया, पाठ से लिया गया है। ठीक है लेखक है नहीं तो ये आपका कर सकते हैं, अथवा लगा है नहीं पता है महामना मालवीय वाला तो नीचे देखिए हंस राजा तदेव परिस मध्य आत्मना वागिने ताप हंस पोतकाय दुहित मरच्छत। ठीक है ये आपका है, तो दोनों में से जो आपको पता है यू कैन डू इट। ठीक खा वाला देखिए अब आते हैं पद्यांश पर। जैसे हिंदी में हमारा गद्यांश पद्यांश था वैसे हिंदी संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होगा, डिफरेंट बस इतना है कि 7 नंबर का ये आएगा वो 10 का था। ठीक अब इसमें तो ये 7 नंबर एकदम फिक्स रहता है, पद्यांश में आप बेझिझक पढ़ लीजिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर को, बस 7 नंबर क्लियर। सुभाषित रत्नानी चैप्टर में जितने श्लोक हैं अगर आपने पढ़ लिया वो 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लीजिए। ठीक है और बाकी एक दो चैप्टर में एक एक आपका श्लोक है पढ़ लीजिए उसको भी एकदम फिक्स हो जाए। ठीक है कोई भी डाउट ना रहे। देखिए नमे रोच भद्रम व उलूकस्य विजयसनम आकुर्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यति। ठीक है ये आपका दिया गया है और नेक्स्ट देखिए परोच्छ कार्य अंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादिन वर्जेता दृशम मित्र मुस्कुम्भम पयोमुखम, तो ये आपका दूसरा दिया गया, दोनों में से किसी एक को करना है। देखिए ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से परोच्छ कार्य अंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेता दृशम मित्र विस्कुम्भम पयोमुखम, मतलब पीठ पीछे आपके सामने आपकी अच्छाई कहने वाले और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे अमृत से बड़े घड़े को जिस पर दूध से दूध लगा हो उसको त्याग दिया जाता है। ठीक है इसको मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, अब आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर हिंदी व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। इसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 करके। देखिए तलवार की धार पर चलना इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक कार्य करना तलवार की धार पर चलना। दूसरा देखिए टकासा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। तीसरा देखिए दाल में काला होना यानी कि संकित होना। भैया ऐसे नहीं लिखना कि तलवार की धार पर चलना यानी कि खतरनाक कार्य करना, बस इतना लिखकर काम नहीं चलेगा, वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा आपको। एक ध्यान रखिएगा वाक्य प्रयोग और बहुत सारे मुहावरे मैं आपको बताता रहता हूं, जो हमारे स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हैं उनकी तैयारी हो रही है और वो टॉपर बनकर आएंगे, जो नहीं जो अभी नए नए आए हैं जुड़ जाइए भैया पूरी तैयारी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से और रहेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। तो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से एक ही करना है। अब कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं कर पाएगा, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो भी कर लेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, 4 में से एक तो सबको आता होगा। अब आते हैं जो चेंजेस हुआ है प्रश्न नंबर 10 में, चेंजेस हुआ है क्योंकि संध मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद संध विच्छेद था, विभक्ति और वचन था। संध विच्छेद था 3 नंबर का, विभक्ति और वचन था 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर आपको मिलते थे। अब क्या हो गया है कि आपठित गद्यांश आ गया है 5 नंबर का सीधा सीधा, दोनों को काट कर भैया ने एंट्री ले ली है। ठीक और ये देखा जाए तो उन दोनों से ये आसान है। क्यों आसान है, आप पठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, जो आपने गद्यांश ना पढ़ा हो ये आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये अलग से दिया जाता है। जैसे देखिए ये कहना एक भूल है कि इच्छा संतोष लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है, मतलब ये आपका एक पूरा गद्यांश दिया रहेगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है इन तीनों का आंसर दीजिए भैया 221 224 15 नंबर ले जाइए, और इनका आंसर मिलेगा कहां, इसी में मिलेगा, इसी गद्यांश में आपको इसका आंसर मिलेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है नहीं पता तो अथवा लगा है आपठित गद्यांश में, वो वाला नहीं पता इसको कीजिए। नाटक प्राचीन काल से ही कला जगत में सर्वाधिक मनोरम और आकर्षक कला माध्यम माना जाता रहा है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेगा, करो और नंबर ले जाओ भैया बटोर लो, 5 नंबर इसमें भी कुछ नहीं है। हिंदी में तो कुछ है ही नहीं ये समझ लीजिए, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और हिंदी को हल्के में भी मत लीजिएगा कि भैया एग्जाम आएगा 5-6 दिन में तैयार कर लेंगे, वही बच्चे 70-80 तक रह जाते हैं, 100 में 95 प्लस नहीं ला पाते। आपको स्टार्टिंग से ही हिंदी को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपको खुद ही विश्वास होगा, अपने दिल से पूछिए कि हिंदी में क्या मैं ला सकता हूं, कहेगा हाँ आप बिल्कुल ला सकते हैं क्योंकि हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। 11 नंबर देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, 2 नंबर के आएगा। देखिए जैसे फर्स्ट है वसन व्यसन, आपको सही अर्थ बताना है कि वसन का सही अर्थ क्या होगा, व्यसन का क्या होगा, पहले उसका अर्थ पहले जो बाद में उसका अर्थ बाद में। देखिए
इसका अर्थ होगा वस्त्र और आदत। वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यसन का मतलब होता है आदत, तो वस्त्र और आदत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा, अंबुज अंबुद इसका मतलब क्या होगा। अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल और बादल। सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अनेकार्थी शब्द पर। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। भैया चार शब्द दिए गए हैं, मुहावरे हम लोग को उक्तियों की तरह, और चार दिए गए हैं, चार में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। जैसे देखिए अंबर, अंबर को और हम क्या बोलते हैं, वस्त्र बोल सकते हैं, आदत बोल सकते हैं अंबर को, ठीक है, ये इसके दो अर्थ हैं। फिर आता है पट, पट का मतलब भी वस्त्र होता है, वस्त्र। घूंघट आप बोल सकते हैं, घूंघट, ठीक है, और चतुर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विधि, विधि का मतलब क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि अमोनिया बनाने की है, पर विधि का बताइए, विधि का मतलब होता है तरीका, तरीका विधि का मतलब होता है, कानून भी होता है, विधि विधान के अंदर रहो नहीं तो अंदर कर दिए जाओगे जेल में, ठीक है। ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा भी लिख दीजिएगा। नाग, नाग को हम इधर लिख देते हैं, नाग को हम हाथी भी बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं, भैया नाग एक सांप है, सांप भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये आपको किसी एक के ही दो अर्थ लिखने, मैंने चारों का बता दिया, ठीक। नेक्स्ट गा वाला देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए फर्स्ट है, जो आंखों के सामने हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला भैया जिज्ञासु, जानने की इच्छा अगर आपके अंदर है आपको जिज्ञासु बोला जाएगा, ठीक है। घा नंबर देखिए, अब आता है वाक्य संशोधन। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, दो नंबर का ये आएगा। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें गलती क्या है भैया, तुम के साथ हो का यूज करते हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस यही गलती है, हैं के जगह पर हो कर दीजिए। दूसरा देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, भैया अनेकों नहीं अनेक ही रहेगा, क्योंकि अनेक जो है ये खुद में प्लूरल है, अनेकों लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना सा गलती है। तीसरा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, अब यहाँ पे गलती क्या है, कवित्री गलत है, कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं, कवित्री, उसमें वापर छोटी का मात्रा लिखा है, ये देखिए। चौथा है अनुमोदन, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, अब कृपया और कृपा दोनों मत लिखिए, इस कृपया को दीजिए हटा, अनुमोदन करने की कृपा करें, बस हो गया, बिल्कुल राइट। 12 नंबर देखिए, आते हैं अब रस छंद अलंकार पे। देखिए का है, पीर रस अथवा हास्य रस का स्थाई भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए, दो नंबर का आएगा, और ये दो नंबर क्लियर करना है तो आप लोग लिख दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। रस छंद अलंकार पूरा एक वीडियो में मैंने बता रखा है, सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उस वीडियो को देख लो, 20 से 22 मिनट का वीडियो, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप करना चाहें, आपके अंदर कुछ करने की अगर जिज्ञासा है, अभी बोला नहीं गया, जानने की इच्छा रखने वाला, अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं कि मैं रस छंद अलंकार को अच्छे से जान लूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, खुद को खर्च करना पड़ेगा। खा देखिए, श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, दो नंबर। गा है दोहा तथा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए, दो नंबर। अब दोहा या सोरठा, श्लेष उत्प्रेक्षा, बीर हास्व, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने उसमें, करुण रस भी है, उपमा अलंकार भी है, सारी चीजें हैं, सर्च करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एक टॉपिक पढ़ाने से क्या फायदा, मैंने बता दिया, सर्च कर लो, सर्च कीजिए। 13 नंबर देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का आएगा, ठीक है, और नहीं पता है तो दूसरा। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, दो पत्र रहेंगे, दोनों में से एक लिखना होगा। पत्र कैसे लिखते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो एक स्पेशल वीडियो भी इस पर आ जाएगा, ठीक है, कमेंट करिए। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का आएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान, थर्ड है वृक्षारोपण का महत्व, फोर्थ है विद्यार्थी और राजनीति, फिफ्थ है देश की समृद्ध और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, 5 दिए रहेंगे, करना एक ही होगा, और इस बार चंद्रयान 3 पर भी निबंध आ सकता है, चंद्रयान 3 पर निबंध लिखने का प्रयास कीजिए, तो ये 9 नंबर का रहेगा, क्लियर हो जाएगा। निबंध लिखते समय हेडिंग अच्छे से डालना, खूब अच्छे से आपको हेडिंग डालना है और अच्छे से लिखना है, कोई जरूरी नहीं है किताब से याद करके चले जाओ, वही छाप के चले जाओ, कोई जरूरी नहीं है, अपने तरफ से भी आप लिख सकते हैं, नंबर पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरे 12th हिंदी का पेपर आपको बताया, ये पेपर कैसा आएगा, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, क्या हटाया गया है, किसको ऐड किया गया है, और पेपर को ज्यादा से ज्यादा मैंने सॉल्यूशन भी बताया।
तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं भैया आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।